खबर देहरादून से। 1 जनवरी से शुरू होगा विजय संकल्प यात्रा का दूसरा चरण। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही 17,500 करोड़ रुपए की लागत के योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। लिहाजा प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए भाजपा ने अपने विजय संकल्प यात्रा को 3 दिनों के लिए विश्राम दिया है। ऐसे में 1 जनवरी से एक बार फिर से विजय संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। भाजपा मुख्यालय में विजय संकल्प यात्रा के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गोरोला ने बताया कि 18 दिसंबर को गढ़वाल के विजय संकल्प यात्रा का हरिद्वार से शुभारंभ हुआ था, जिसे ढोईवाला में विश्राम दिया गया है। जो सबने यात्रा में किया है, मैं उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जनता ने हमारी इस यात्रा को पूरा पूरा आशीर्वाद दिया है। 1 तारीख से नए साल से एक नई उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ हम अपनी विजय संकल्प यात्रा को दोबारा शुरू करेंगे। 1 तारीख को हमारी यह यात्रा देहरादून महानगर की सभी विधानसभाओं को करते हुए रोड शो, स्वागत सभाएं, जनसभाओं के रूप में करते हुए यह यात्रा विकास नगर की ओर प्रस्थान कर जाएगी। और कुमाऊं की जो यात्रा है वह कालाढूंगी से शुरू करते हुए 4 तारीख को खटीमा में यात्रा का समापन होगा। 4 तारीख को देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी खटीमा में यात्रा का समापन करेंगे। 6 तारीख को गढ़वाल की यात्रा का समापन भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जी की धरती गंगोत्री विधानसभा में उत्तरकाशी में इस यात्रा का समापन होगा। देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी इस यात्रा का वहां पर समापन करेंगे। इस यात्रा में आने वाले दिनों में अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी भरपूर आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी इस यात्रा में जुड़ने वाले हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी इस यात्रा में जुड़ने वाले हैं, बहन मीनाक्षी लेखी जी इस यात्रा में जुड़ने वाली हैं, लॉकेट चटर्जी जी इस यात्रा में जुड़ने वाली हैं। कुमाऊं की यात्रा में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी इस यात्रा में पूरा रहने वाले हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लगातार इस यात्रा में अलग अलग पड़ावों में उन्होंने सहभाग किया है और पूरा उत्साह कार्यकर्ताओं का दिखा है।